क्या हुआ आपके साथ? कान पर आते ही बदतमीजी करने लगे, लाइट काटी। कौन? गाड़ी से आए थे। कौन आया था गाड़ी से? ऐसा क्या आदमी थे और नाम नहीं जाना। सज्जन नाम है इसका और जामुन वो बात नहीं है। और विजय ड्राइवर था, नशे में था। उसके बाद दारू वारू पिए हुए थे। मैंने उनको रोकना चाहा कि भाई पत्ती आप क्यों काट के जा रहे हो, तो सीधे हमारे ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया। हम लोगों ने किसी तरीके अपनी गाड़ी दूसरी तरफ काट के बचाई, अपनी गाड़ी अपने आप को बचाया। उसके बाद इनको पकड़ा तो हमने इनके ड्राइवर को बैठा लिया अपनी दुकान पर, ताकि इनके केसा के और अधिकारी हमारे पास आएँ, हम बातचीत करें। और हमारा मतलब 18 महीने से हमारा बिल पेंडिंग चल रहा है, जमा नहीं हो पा रहा है। बिल केसा के लोगों की वजह से ही हमारा ख़राब हुआ। और दिसंबर माह में हमारा उन्होंने मीटर नया लगवा दिया, बोले हम आपका मीटर लगवा रहे हैं। जय साहब हमारे पास निजामुद्दीन जी आए और उन्होंने बोला कि आप जैसा मैं बोलूँ वैसा आप करते जाइए। मैंने उन्होंने जैसा ऐसा बोला मैंने वैसा वैसा किया। उन्होंने नया मीटर लगाइए, 15 दिन के बाद जो रीडिंग आएगी उसके आधार पर आपका बिल अमेंड कर दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, बना दीजिएगा आप हमारा बिल जल्दी जो भी करें। और उसके बाद दिसंबर से लेकर के आज की डेट में उन्होंने हमारा बिल सही नहीं किया। मैं उनके पास 4-5 बार जा चुका हूँ और उसके बाद में अभी भी उन्होंने मेरा बिल सही किया। आज भी मैं उनके पास में खड़ा हुआ था और मैं उनके कैसा ऑफिस में था। एक तरफ एक आदमी बोलता है कि बत्ती ना काटो, एक तरफ दूसरा आदमी दूसरे फोन से बोलता है बत्ती काटते। एक आदमी को बुलवाया कि बत्ती ना काटी जाए और दूसरे आदमी ने बत्ती काट दी और दूसरे तरफ पीछे के लोग अधिकारी लोग सब फंस रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित वर्मा। बिल किस नाम से? बिल चेतन वर्मा का नाम है। हमारे पिताजी का नाम है। कहाँ के निवासी? लाल कलोनी 275/3। कौन से कैसा का मामला है ये? गोविंद नगर और पदराग दोनों कैसा के अंतर्गत। पर जय का क्या कहना है? जय का कहना है कि अब तो फिलहाल लड़ाई झगड़ा है, उन्होंने दिखा दिया है कि मैं जाकर के आपके खिलाफ FIR करूंगा, ये करूंगा। क्या कोई पैसे भी लिए थे आपसे? हाँ, निजामुद्दीन ने मुझसे जब मीटर लगवाया तब उन्होंने 1000 रुपये लिए। जो मीटर लगाने आया उसने 1000 रुपये लिए और उसके जो गाड़ी वाले आए थे सारे उन्होंने 500 रुपये लिए। उसके बाद भी आज तक हमारा समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। पैसे मांगते हैं। 3 महीने का दिन हो गया टाइम पूरा और अभी तक उन्होंने बिल सही नहीं कराया। इतना स्लो काम चल रहा है और उसके बाद बत्ती काटेंगे। बार बार हमारे यहाँ आदमी भेज देते हैं, 2-4-500 रुपये दे दो तो बत्ती नहीं कटेगी और पैसा ना दो तो बत्ती कटेगी। आज पैसा नहीं दिया तो इसी बात को उन्होंने नशेबाजी करी, लड़ाई झगड़ा किया हमारे यहाँ। हमारी माँ को गाली गाली बकी है, उसके बाद हाथापाई करी माँ ने गाली पर। उन्होंने अपना बचाव किया तो उन्होंने मदद करी माता जी से। हमारी लड़ाई झगड़े में हमारे भाई की सोने की चैन गिर गई, 700 रुपये हमारे गिर गए, हमें गिराया है। देखिए इस तरीके से हमारा ये लगा है, देखिए हमारी उंगली में चोट भी लगी है, सब इस तरीके से सर किया है।